पे संवेदनशील जगह था वहां पे लाइट था, लेकिन जो आम पब्लिक जो आ रही है यहां पे देखेंगे छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, बारिश हो गई थी, कहीं पे कीचड़ हो गया था, लेकिन ये लाइन में रेंज ऑफिस के साइड में कहीं पे भी लाइट नहीं थी। अभी हमारे साथ हैं बड़कागांव रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष बिंदु दांगी जी, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा रामनवमी का पूजा था, तो उनके बारे में जानेंगे और हम भी कुछ उनसे सवाल करेंगे कि क्या हमने भी घूमा पूरा, क्या कमी थी और क्या था। तो सबसे पहले तो बताइए कि कैसा रहा ये सब समापन, आपको कैसा रहा? सबसे पहले राम भक्तों को जय श्री राम। इस बार रामनवमी पूजा महासमिति बहुत अच्छा करने के प्रयास की, अगर कुछ त्रुटियां रह गई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी क्लब ने मुझे भरपूर सहयोग किया और बढ़ चढ़ कर इस बार इस पूजा को सफल बनाया। सरकार के गाइडलाइन के कुछ अनुसार जो हम लोग है अपना शांति व्यवस्था बनाकर इस पूजा को सफल बनाए, और यही आज जो प्राइज का वितरण था जिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड कला झांकी को लेकर या फिर ताशा को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को पुरस्कृत किया गया। कुछ एक कमियां रही तो उसके लिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उसके लिए महासमिति क्षमा प्रार्थी है। फर्स्ट प्राइज जो दिया आपने, फर्स्ट प्राइज का आकलन कैसे किया, क्या था थीम और किसको मिला? फर्स्ट प्राइज का जजमेंट जो जजेज लोग थे उस उन लोगों ने किया और कुछ पब्लिक ओपिनियन लिया गया, लोगों ने जिसे सराहा उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया राणा मोहल्ला को। राणा मोहल्ला को मिला, क्या था उनका थीम, क्या था उन लोगों का थीम था? वो लड़की तस्करी करके लोगों को भीख मंगाया जाता है या फिर ऐसे कुछ, मतलब बहुत यूनिक था। अच्छा। और बाकी करीब अमूमन सबका एक जैसा थीम मिल रहा था, उसी में जजमेंट करके लोगों को पुरस्कृत किया गया। अच्छा, एक मेरा एक सवाल है कि हमने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया था पूरे बड़कागांव को, हमने 12 अखाड़े थे, लेकिन एक चीज़ जो उसमें कमी लगी कि कोई भी आप गली में जहाँ से आपकी मतलब झांकियाँ गुजर रही थी, आप ये लाइन देख लीजिएगा बड़कागांव हजारीबाग रोड लाइन या फिर उधर वाला लाइन, कहीं पे भी लाइट की व्यवस्था नहीं, पूरा अंधेरा था। ऐसे भी बिजली विभाग ने बिजली काट के रखी हुई थी, कहीं पे भी लाइट नहीं जल रही थी और कोई भी अखाड़ों ने लाइट का इंतजाम नहीं किया था। ये चीज़ हम मानते हैं, हम लोगों को बहुत कम समय मिला था महासमिति को और उसी के बीच में हम लोग को बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी। हम लोगों की कोशिश जहाँ रही मस्जिद के पास लोगों को काफ़ी रहा, तो मस्जिद के पास हम लोगों ने लाइट की व्यवस्था कराई। यहाँ पे संवेदनशील जगह था वहाँ पे लाइट था, लेकिन जो आम पब्लिक जो आ रही है यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, बारिश हो गई थी, कहीं पे कीचड़ हो गया था, लेकिन ये लाइन में रेंज ऑफिस के साइड में कहीं पे भी लाइट नहीं थी। ये साइड के आप देखेंगे कहीं लाइट नहीं थी, आप अगर ये काली मंदिर से इधर घुसेंगे उधर भी लाइट नहीं थी बीच में। हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर कहना चाहता हूँ हम लोग आपसे समन्वय में कहीं ना कहीं चूक हुई है, नेक्स्ट टाइम अगले बार जब होगी तो इसको भरपूर पूरा कोशिश करेंगे। चलिए, अभी हमारे साथ हैं मुखिया जी, तो मुखिया जी भी इनके साथ ही थे, सब मिलजुल कर रहे थे। सबसे पहले तो कैसा रहा, ये आपका पहला ऑर्गेनाइजर था शायद, तो ऑर्गेनाइज किए थे आप पहले, किससे पहले भी किए? ऑर्गेनाइज तो हम सहयोग किए हैं। अच्छा। हम महासमिति के अध्यक्ष को मैं अपने माध्यम से सहयोग किया और उसके पहले मैं सबसे पहले रामनवमी का समापन के उपलक्ष्य में यहाँ के बड़कागांव वासियों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से इस महारामनवमी का समापन किया लोगों ने। और जहाँ तक बात है ऑर्गेनाइज की, तो ऑर्गेनाइज हमारे छोटे भाई बिंदु दागी जी अध्यक्ष रामनवमी महासमिति बड़कागांव, इन्होंने अपना अथक प्रयास से जितना हो सका और इन्होंने कार्य करने का प्रयास किया और किया। और बात रह गई कि आपका यहाँ के जो प्रशासन ने जो हम लोगों को साथ दिया, मैं उनके लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ओर से। पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला? एकदम, पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला। चलिए, जैसे कि आप सुन रहे थे कि इन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, यहाँ की जो जनता थी उन्होंने भी इनका पूरा सहयोग किया, तो आने वाले समय में इससे और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ के अभी की जो वर्तमान में जो रामनवमी पूजा महासमिति के अध्यक्ष थे बड़कागांव के, उन्होंने बताया, और यहाँ के जो मुखिया जी थे जो साथ में भी कर रहे थे, तो आने वाले समय में आप इससे बेहतर देने की कोशिश करेंगे अगले साल। इसी के साथ आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़, धन्यवाद।